जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, दरिद्रता एक ऐसी समस्या है जिसके घर होती है वह से छुटकारा पाना चाहता है। पूरा समय उसका यही सोचता हुआ निकलता है कि कैसे हम इससे छुटकारा पाएं, कैसे इस समस्या को अपने से दूर करें। यदि आपके ऊपर भी यह परेशानी है, आपके घर में भी बरकत नहीं है, गरीबी है, दरिद्रता है, इस टाइप की कोई समस्या है और आप इसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अवश्य जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ आप यदि करते हैं तो कहते हैं शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि रोडपति को भी करोड़पति बनाने से यह उपाय पीछे नहीं छोड़ता। जैसे आप जानते हैं गणेश जी सभी विघ्नों को हरने वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गणेश संहिता में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, ऐसे टोटके बताए गए हैं कि जिनकी सहायता से कोई भी अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकता है। और बुधवार के दिन सूर्यास्त के बाद किसी भी गणेश मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में ही ये उपाय किया जा सकता, महा उपाय। दूर सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। यदि बहुत ज़्यादा कर्ज भी चढ़ गया है तो बहुत समस्या भी आप पर से दूर हो जाएगी। भगवान श्री गणेश को अपना इष्ट देव बनाकर आप यह पूजन करना पड़ेगा, आपको ये उपाय करना है अपने घर में ही या गणेश मंदिर में। आप दोनों में से कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ करना आपको श्रेष्ठ लगता है, जहाँ आप इजीली कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं। गणेश जी के सामने सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करें, विनय करें, विनती करें कि हे गणराज, मैं आपको अपने देव के रूप में, अपने इष्ट देव के रूप में अपनाना चाहता हूँ। आप मेरे इष्ट बनकर आप मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें, मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद लुटाएं। अब 108 बार आपको गणेश मंत्र का जाप करना है। आप ओम गण गणपताये नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको कोई दूसरा गणेश जी का मंत्र कंठस्थ है तो आप वह उपाय, वह जाप भी कर सकते हैं। जो सा गणेश मंत्र आपको इजीली आप बोल सकते हैं बिना उच्चारण में गलती हुए। आप, मैं एक बात आपको अच्छी तरीके से बता दूं, जब आप मंत्र जाप करते हैं आपको इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि मंत्र जाप करते समय उच्चारण में गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें दोष लगता है ऐसा। वह कार्य तो जिस कार्य के लिए कर रहे हैं वह कार्य तो पूरा होने में संशय होगा ही होगा, लेकिन हमें दोष भी लगता है क्योंकि जरा सा शब्द बदलने से पूरा मीनिंग बदल जाता है, शब्दों की पूरा अर्थ बदल जाता है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें, चाहे धीरे धीरे करें मंत्र जाप, लेकिन मंत्र जाप शुद्ध भाषा में, शुद्ध उच्चारण में ही होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और आप 108 बार जो गणेश मंत्र का जाप कर रहे हैं, सबसे अच्छा यदि आप हल्दी के माला से करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होता है। नहीं तो आप कोई भी सामग्री 108 गिन लें। आप मूंगफली के दाने गिन सकते हैं, साबुत दाने के दाने गिन सकते हैं, जो भी आपको मिश्री के छोटे जो टुकड़े आते हैं उसके दाने गिन सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। आप यदि सक्षम हैं तो 108 लड्डू से कर वो लड्डू समर्पित कर सकते हैं गणेश जी के मंदिर में, जो भी आपको श्रेष्ठ लगे। मैं इसके लिए आपको कोई राय देना उचित नहीं समझती, जैसा भी आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। या इससे अच्छा, सबसे अच्छा, आप यदि आपको 108 शमी पत्र मिल जाए या 108 दुआ आप जमा कर सकते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ यही होगा कि आप यदि कोई माला से जाप नहीं करना चाहते हैं तो 108 दुआ तोड़कर उसको साफ स्वच्छ कर लें और उसे रख रख कर, गिन गिन कर आप मंत्र जाप करें। शमी पत्र, एक एक शमी पत्र रखते जाएं। 108 आपको पहले से गिन के रखना होगा और उसके बाद गणेश जी को समर्पित कर दें, बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है ये। उसके बाद गणेश चालीसा पढ़ें और गणेश जी की आरती आप श्रद्धापूर्वक, जब आप गणेश चालीसा पूरी कर चुके, एक दीपक लगाना बहुत ज़रूरी है, घी का दीपक लगाना होगा आपको, और उसके बाद गणेश जी की आरती करें श्रद्धापूर्वक। करते हुए प्रार्थना करें कि हे देव, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे सभी अभावों को दूर करें, मेरी गलतियों को अनदेखा करें, माफ़ करें मेरी अनजाने में जो मेरे से
गलतियाँ हुई हूँ, माफ़ करें और मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाएं। मेरे घर रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सभी को लेकर, अपने पूरे परिवार को लेकर मेरे घर आकर विराजें, जिससे मेरे ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। यह तो हो गया आपका एक उपाय। इस उपाय में सबसे श्रेष्ठ है कि जब आप गणेश जी को अपना इष्ट बनाकर उनसे विनती करते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया, आप घर में भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं। आप करते हैं तो आपका वह कार्य अवश्य होता है और भगवान गणेश आप पर अपनी कृपा बनाते हैं। उसी प्रकार ये दूसरा उपाय बता रही हूँ, ये भी बहुत छोटा सा उपाय है, लाल कलावा, जो आप घर में पूजन के लिए उपयोग में लेते होंगे। सभी जानते हैं एक छोटा सा लाल कलावा ले लें, इतना बड़ा लेना है कि आप यदि बाद में गले में या हाथ में बांधना चाहें तो आराम से बन जाए। और उसे गणेश जी के चरणों का सिंदूर लगाकर, ये कार्य आपको मंदिर में करना होगा और उनके चरणों में ही रख दें। वहीं बैठकर आपको ओम श्री गणेशाय नमः इसका 108 बार मन ही मन जाप करना है। जाप करने के बाद उस लाल कलावे को हाथ में उठाकर और उसमें जप किए हुए मंत्र का उच्चारण करते हुए 7 बार, फिर से ध्यान दें, 7 बार गांठ बांध लें। उस मंत्र का जाप करते हुए 7 बार गांठ बांध लें, गठान बांध लें। अब यह धागा सिद्ध हो गया है। इस सिद्ध लाल धागे को गणेश जी का ध्यान करते हुए अपने गले में बांधें, अपने हाथ में बांधें या अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्या दूर होने लगती है। कोई विशेष मनोकामना के साथ कर रहे हैं, के लिए कर रहे हैं, तो आपको उस समय जब आप हाथ में बांधे, गले में या पर्स में रख रहे हैं, उस समय अपनी आपको मनोकामना बोलनी है। आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि इसमें गणेश जी का आशीर्वाद, चरणों का सिंदूर लगा हुआ है। आपकी कोई ऐसी इच्छा हो ही नहीं सकती, लेकिन हाँ, एक बार में एक इच्छा के लिए आपको करना होगा, ये बात विशेष ध्यान रखें, आपकी वह इच्छा अवश्य पूरी होगी। अब मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ, ये श्रावण मास के बुधवार के लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। आप जानते ही हैं कि अब गणेश चतुर्थी आने वाली है, यानी भादों की चौथ, जिसमें गणेश जी हम सभी के घर, हम सभी सनातन धर्म के लोगों के घर, हिंदू के घर विराजते हैं। भगवान मेहमान बनकर आते हैं हमारे घर में, और हम उनकी जितने दिन, 14, कोई 14 दिन करता है, कोई 11 दिन करता है, कोई 8 दिन करता है, कोई 10 दिन करता है, सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मनोस्थिति के अनुसार भगवान को मनाते हैं, पूजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वह दिन हम लोगों के लिए बहुत ही खास दिन होते हैं। उस समय अधिकतर हिंदू लोगों के यहाँ घर में ऐसा नहीं होता कि घर खाली करके कहीं पूरा परिवार चला जाए, एक ना एक व्यक्ति को घर में होना होता है, क्योंकि उस समय ये माना जाता है कि गणेश जी हमारे यहाँ मेहमान के रूप में आए हैं, और मेहमान को अकेला छोड़ के नहीं जाया जाता। दोनों टाइम आरती करना, भोग लगाना, गणेश जी की पूजन करना बहुत ही सुंदर लगता है वह समय। आप, आज भी बुधवार है, आपको करना ये है कि आप धनिया, खड़ा धनिया सभी जानते होंगे, आप 21 दाने ले लें। आज से आप यदि दिनों को गिनेंगे तो आज से 22वें दिन, ये जो गणेश चतुर्थी है 22वें दिन पड़ रही, 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, तो आप 21 दाने लेना है आपको, क्योंकि आज का दिन नहीं गिना जाएगा। ये 21 दिन दाने आपको शाम को सूर्यास्त के बाद, यानी आप कभी भी कर सकते हैं, रात को 12 बजे तक भी कर सकते हैं। ये धनिया के दाने आप एक साफ स्वच्छ, यानी कहीं भी उपयोग किया हुआ कागज़ नहीं होना चाहिए, और कोई पेपर का टुकड़ा भी नहीं होना चाहिए, कोई कॉपी में से फटा हुआ, या आप अलग से कुछ कागज पन्ना लाकर कर सकते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ, नहीं तो उपयोग किया हुआ कागज आप नहीं उपयोग में लें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि कई कुछ वस्तु में आपको कोई पुड़िया के रूप में आया है और वह कागज आप इस्तेमाल कर लें, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको करना ये होगा कि किसी कॉपी में से एक साफ पेज ले लें, उसमें 21 दानों को, धनिए के दानों को रखें, और थोड़ा सा गुड़, बिल्कुल चुटकी भर गुड़ आप रख डाल दें, और भगवान गणेश की आज बुधवार के दिन शाम को एक दूरबा रख दें, यदि शमी पत्र मिले तो शमी पत्र रख दें, और भगवान के समक्ष जैसे भोग लगाते हैं वैसे आप कागज़ में अपने घर में, आपके मन घर में, मंदिर में गणेश जी की फ़ोटो या प्रतिमा तो होगी,
आप उनके समक्ष रखकर और जो भी आपको भगवान से विनती करना है, आराधना करना है, करें। उसके बाद वहीं रख रहने दें। आप चाहें तो रात को पुड़िया बांध कर रख सकते हैं। सुबह उठें, दूसरे दिन आपको गुरुवार को ये कार्य करना है। जब स्नान कर लें, गुड़ आप ऐसी जगह डाल दें जहाँ चींटियाँ ऐसे भोग में ले लें। कोई वृक्ष के नीचे, बड़े वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं या कहीं भी डाल सकते हैं जहाँ चींटियाँ आती हों। आपको इन 21 दानों को करना है। आप नहा लिए, आपने घर में पूजन कर लिया, तब आपको ये कार्य करना है। आपके घर में पेड़ पौधे के लिए गमले होते ही होंगे, सभी के घर में होते हैं। तुलसा जी या कोई एकाध पौधा तो सभी के घर में होता है, उनमें आपको इन 21 दानों को डाल देना है और मिट्टी से पूरी तरह से ढक देना है। अब आपको जब तक गणेश चतुर्थी के दिन तक उन रोज़ की रोज़ आप जल दें। जिस गमले में आपने धना डाला है उसमें रोज़ थोड़ा सा जल सिंचन करें और देखें धीरे धीरे 21 दिनों में अच्छे तरीके से वह धनिया फल जाएगा। आपको करना, बस आपको करना कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो धना फलेगा, आप धना भी इस बात का ध्यान रखें जो 21 दाने आप लें श्रेष्ठ क्वालिटी का लें, ऐसी बेसी क्वालिटी का नहीं लें। क्योंकि जितना ज़्यादा ये धना फलेगा फूलेगा, जितना अच्छा निकलेगा, उतना ही आपकी किस्मत भाग्य चमकेगा। अब आप भले ही 21 दिन बाद जब गणेश चतुर्थी आ जाए उसके बाद आप इस धनिया को आप किसी भी उपयोग में ले सकते हैं। चाहे उसे तोड़कर अपने घर में खाने के उस पर डालना है तो डाल सकते हैं। बाकी कोशिश करें कि 21 दिन रोज़ आप उसमें जल का सिंचन करें और ध्यान दें कि वो बढ़ रहा है कि नहीं, उगा है कि नहीं। आप देखना आपका भाग्य अवश्य प्रबल होगा। बहुत छोटा सा उपाय है, कर देखें, लेकिन आपके भाग्य को प्रबल बनाने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।